हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डी ट्रिपल एस पी स्टेनो 2022 में जो वैकेंसी आपकी आनी है। ठीक है, वैकेंसी उन्होंने दे दी है और बात करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन आप पूछ रहे थे इससे पहले, और सबसे पहले तो शुक्रिया आप लोगों का इतना सपोर्ट करने के लिए और एग्री होने के लिए ट्विटर कैंपेन के लिए। ट्विटर कैंपेन के बारे में हम अभी अलग से डिस्कस करेंगे कि क्या कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आप सभी का साथ होना ज़रूरी है। ठीक है, और SSC को बताना है कि SSC स्टेनो भी एक पोस्ट है जिसकी वैल्यू भी उतनी है जितनी SSC CGL या CHSL या उनकी है। ठीक है, और ये सभी चीज़ें आपको ही करना है। ट्विटर कैंपेन जब भी होगा आप सभी को साथ रहना है, और ये मत सोचना कि हम 500 हैं या खाली 1000 होंगे या फेल हो जाएगा, पर कुछ भी हो हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना है। और एक बार ये ट्विटर कैंपेन करना है, और जो स्टेनो का जो एग्ज़ाम है जो आपका स्टार्टिंग में होना चाहिए, जो इन्होंने दिसंबर में दिया है, कोशिश करेंगे कि वो जो डेट है SSC चेंज करे। नहीं करे, करनी करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन हम पहले अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, ट्विटर कैंपेन कब होगा, क्या होगा, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, अच्छे से बात करेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है इस समय। बिल्कुल SSC स्टेनो के जो भी स्टूडेंट हैं, लगभग 5 लाख लोग प्रिपरेशन करते हैं, और अभी कहीं ना कहीं वो पूरी तरह आप कह सकते हो ना तो पढ़ने में मन लग रहा होगा, क्योंकि मैथ्स को करना कहीं ना कहीं एक टाइप से दोबारा से उतना टाइम देना जितना आपने स्टेनो में दिया है। ठीक है, तो स्टेनो जिसने भी करी है 1.5 साल 2 साल इससे भी ज़्यादा, तो उसे पता है इसकी वैल्यू क्या है, इस कैंपेन की वैल्यू क्या है और करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं ये जो फॉर्म है आपका। एक ऑप्शन आपके पास है कि आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं इस एक उम्मीद के साथ। DSSP स्टेनो जो वैकेंसी उन्होंने दे दी है, अच्छी वैकेंसी है। वैकेंसी की बात करें तो 1900 कुछ वैकेंसी यहाँ पे है, 1900 प्लस यहाँ पे वैकेंसी है। फॉर्म कब तक निकलेगा, फॉर्म की बात करें तो जनवरी या फेब में इसका फॉर्म आ सकता है आपका, और जो एग्ज़ाम है फॉर्म निकलने के 2 या 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। DSSP स्टेनो की अच्छी बात यह है कि जब इसका एग्ज़ाम होता है उसके 3 महीने के अंदर आप कह सकते हो 3 महीने बाद स्किल आपका हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका स्किल हो गया, और इसकी कट ऑफ की बात करें कट ऑफ इसकी लो रहती है, इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें मैथ्स आपका आता है और हिंदी आता है। मैथ्स कैसे करना, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ में हम इस सब के बारे में हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में हिंदी में क्या लेवल रहता है, किस टाइप का आता है, कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आपके जो भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें मैथ्स और हिंदी को लेकर अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर्म आपका डेट मैंने बता दिया, एग्ज़ाम डेट मैंने बता दिया कब तक हो सकता है। सिलेबस अगर बात करें तो 5 सिलेबस इसके अंदर आता है। मैथ्स आता है, हिंदी आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, जीके आता है। हिंदी और मैथ्स जो इंपॉर्टेंट रोल लगता है, जो टर्निंग पॉइंट होता है आपका, जो कट ऑफ को कम ले जाता है, यही 2 सब्जेक्ट में जिसकी पकड़ आपकी होगी उसका यहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, स्किल को करते हुए चलना, क्योंकि स्किल के लिए DSSP बिल्कुल टाइम नहीं देता, 3 महीने के अंदर ये स्किल टेस्ट हो जाता है एग्ज़ाम होने के बाद। ठीक है, तो कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ 110 से 120 के बीच में रहता है, लेकिन कट ऑफ से आपको 20 प्लस मार्क्स स्कोर करना होगा अगर फाइनल में जगह बनानी है तो। ठीक है, बाकी ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो आपने पूछे थे क्वेश्चन। बाकी मैथ्स और हिंदी के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे डिटेल में, कि मैथ्स में कौन से टॉपिक या कितने से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, हिंदी में किस टॉपिक पे से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस पे फोकस करना है, कैसे कवर करना है दोनों सब्जेक्ट को, क्योंकि इंग्लिश रीजनिंग और जीके बिल्कुल जैसे SSC स्टेनो के सेम रहता है, उससे लेवल थोड़ा इंग्लिश का थोड़ा कम रहता है आप कह सकते हो। रीजनिंग का आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल आपका रहता है इसका। ठीक है, रीजनिंग का जो लेवल रहता है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट यानी टाइम टेकिंग रीजनिंग आती है। इंग्लिश में करा चुका हूँ उसकी, मैथ्स मैंने करा दिया, हिंदी में करा चुका हूँ, रीजनिंग रह गया तो रीजनिंग भी मैं इसकी करा दूंगा इस बार वाली। और इस बार का जो एग्ज़ाम पेपर है आपका पर्सनल असिस्टेंट या जूनियर स्टेनोग्राफर, वो मैं PDF वहाँ पर दे दूंगा उसका टेलीग्राम वाले ग्रुप में। तो कोई भी नए हो आप तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। बाकी ट्विटर कैंपेन इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि हर एक को सपोर्ट करना है, और हर एक को सपोर्ट करने के लिए भी आपको राज़ी करना पड़ेगा जो भी SSC स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कराते हैं या SSC स्टेनो चैनल जिनका भी है, SSC स्टेनो से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उन सभी को एग्री करना है कि वो ट्विटर कैंपेन में पार्ट लें, ताकि ये आपका जो सक्सेसफुल हो ट्विटर कैंपेन और SSC मजबूर हो जाए SSC स्टेनो का जो एग्ज़ाम है वो पहले करने के लिए। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाकी 7-2 ट्विटर कैंपेन होगा और आप बस रेडी रहो। बाकी DSSP स्टेनो का फॉर्म जैसे ही निकलता है वैसे मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों को। उसके लिए आप टेलीग्राम पे, टेलीग्राम एक ग्रुप है जहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आता है तो वो चीज़ मैं वहाँ पे भी बता देता हूँ। और आप में से कोई भी नया हो तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ सकते हो SSC स्टेनो का के अपडेट के लिए, या फिर किसी भी स्टेनो एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो हाईकोर्ट स्टेनो हो या DSSP स्टेनो, DD स्टेनो, FSI स्टेनो, काफ़ी स्टेनो के एग्ज़ाम और आते हैं जिसकी अपडेट मैं यहाँ पे देता रहता हूँ। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ट्विटर कैंपेन के ऊपर डिस्कस करते रहेंगे, और बिल्कुल पीछे मत हटना, ट्विटर कैंपेन आपका होगा, ठीक है। और ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यकीन मानो 4 साल मायने रखता है। कहीं ना कहीं 4 साल का मतलब होता है 4 वैकेंसी आपकी गायब हो गई, ठीक है। 4 साल का मतलब 4 वैकेंसी आपकी गायब हो जाएंगी। 2021 की वैकेंसी को अगर 2023 में कर रहे हैं, मतलब 2 साल तो इन्होंने वैसे ही डिले किया। साथ में एज का भी इशू होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए। बाकी टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। जब भी फॉर्म आता मैं अपडेट कर दूंगा। इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी क्वेश्चन आपके थे कल कमेंट में, उन सभी के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया है। और बाकी मैथ्स और हिंदी को लेकर काफ़ी लोग सोच रहे हैं कैसे करना क्या करना है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। बाकी टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।